हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वन्ना, आज मैं आपके बालों के लिए एक ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ। इसके यूज़ करने से अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो आपके बाल काले हो जाएंगे, अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ ख़त्म हो जाता है, अगर बाल झड़ रहे हैं तो आपके बाल झड़ना भी एकदम बंद हो जाएंगे, और अगर आपकी स्कैल्प जो है ऑयली है, उसमें फोड़े फिंसी की प्रॉब्लम है, इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके वो फोड़े फिंसियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई करें। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने 4 आलू लिए हैं, इन्हें धो लिया है अच्छे से ताकि कोई मिट्टी ना रहे। अब इसे हम छील लेंगे पीलर की हेल्प से। हम इस रेमेडी को बनाने के लिए आलू के छिलकों का प्रयोग करेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने सारे आलू के छिलके निकाल लिए हैं, उसे अच्छे से पील कर लिया है। आलू के छिलकों में मौजूद स्टार्च नेचुरल कलरेंट का काम करेगा और 2 हफ्ते में आपके ग्रे और वाइट वालों को भी डार्क कलर से कवर करेगा। आलू के छिलकों में मौजूद जिंक, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है जो आपके बालों को झड़ने से रोकता है और ये आपके बालों को शाइनी भी बनाएगा। मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें 1/2 लीटर पानी डाला है। अब इसमें सारे आलू के छिलके जो मैंने पील किए थे वो सब डाल दूँगी। अब इसमें 1 चम्मच काले तिल डालूँगी। तिल बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें विटामिन ई, बी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन होता है। ये बालों को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं और बालों की जड़ों को बहुत मजबूत करेंगे, और इससे बालों का जो डैंड्रफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ये बालों को शाइन करेगा। अब इसे हम 15-20 मिनट के लिए ढक कर बॉइल कर लेंगे। अब आप देखिए इसका जो कलर है वो कितना ब्लैक आया है, ये तिल की वजह से आया है। अगर आपके पास तिल नहीं है तो आप स्किप ही कर सकते हैं, तब आपका ये कलर ब्राउन आएगा। देखिए, जितना पानी मैंने डाला था अब उसका आधा रह गया है। अब मैं गैस बंद करके इसे ठंडा होने के बाद छान लूँगी और ग्लास बॉटल में इसे स्टोर कर लूँगी। आप इसे 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे छान लूँगी और जो रेमेडी मैंने बनाई है इसे साफ बालों में लगाना है। आप बाल शैम्पू करिए, उसके बाद गीले बालों में इसे स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए और 5 मिनट इसकी मसाज करिए। फिर आप इसको 10 मिनट के बाद सादे पानी से धो दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको इसके 2 हफ्ते में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से आपने गीले बालों में इसे लगाना है और सिंपल पानी से इसे साफ करना है। दोबारा आपको शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। इसे हफ्ते में आप 2 बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप रोज़ भी लगा सकते हैं। अगर रोज़ शैम्पू करते हैं आपको इसके रिज़ल्ट जो है वो 2 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको ये रेमेडी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमेशा मुस्कुराते रहें।